राखी की तैयारी कर रही है मैंने, देव राखी, ऑरेंज ऑरेंज बहुत सुंदर राखी, देव राखी सब भगवान को बनती है हमारे यहाँ पे। उसके बाद में ये देखो बहुत ही सुंदर है रुद्राक्ष वाली गणपति जी की राखी है। ये देखो रुद्राक्ष की गणपति जी बनी हुई है, ये मेरे दोनों बच्चों की, कितनी सुपर डुपर लग रही है, ठीक है। उसके बाद में ये ओम वाली राखी और सूती धागे में पंडित मिश्रा ने बताया था, इन्होंने रुद्राक्ष की और ओम की सूती धागे की राखी बनना चाहिए, ये रक्षा सूत्र देता है और अच्छे रहते हैं बच्चों के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और उसके बाद में ये रुद्राक्ष बना हुआ है, ये भी रक्षा करता है अपने जीवन में। और इसी प्रकार से सभी ने एक समान ली है और बहुत सुंदर राखी है। इसमें से एक हम बांधते हैं जो सेना पे लड़ रहे हैं जवान जो राखी के लिए नहीं जा पाते हैं, तो ये हम भगवान को बांधते हैं गणपति जी को उनकी रक्षा के लिए जो अपने लिए लड़ रहे हैं और अपनी रक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद में एक ही रुद्राक्ष की राखी मेरे दोनों बच्चों के नाम से मैं कृष्ण भगवान को बांधती हूँ, उनकी भी इन्होंने जीवन में आगे प्रगति हो, इन्हें आगे बढ़े हो, उन्नति करें, उनकी रक्षा हो, ठीक है। इसी प्रकार से राखी का त्यौहार मनाती हूँ। अपने दिल की बात आपको बताइए, आप कैसे मनाते हो ये बताना मुझे, कमेंट अच्छे अच्छे करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ, बाय बाय।